नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से कांग्रेस के विधायक पद के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश अहिरवार उर्फ बंटी के पक्ष में किया रोड शो। साथ ही उन्होंने बूढ़े बालाजी पर एक आम सभा को संबोधित भी किया। वहां पर सिंधिया भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। महाराज बहुत अच्छे से लिखने की बहुत बढ़िया था महाराज, माहौल हो गया बहुत बड़ा पॉजिटिव। हमारे महाराष्ट्र आपको बहुमत से विजय बनाइए। धन्यवाद आदरणीय मैडम। महाराज साहब ने और आपने मुझ पर जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। राहुल गांधी का केवल प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी केवल नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि गुना की जन जन का प्रत्याशी बंटी अहिरवार। आज वो मौका आ चुका है जिस मौके के लिए हम पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे, जिस भ्रष्ट प्रशासन ने मध्य प्रदेश के जन जन का जीवन प्रताड़ित किया है। आज उस भ्रष्ट शासन को जड़ से उखाड़ने का मौका आ चुका है। पूरी हिंदू धर्म की बहुती भाजपा हमारे धर्म के ग्रंथों में कल समामा रहे, जिन्होंने अपने भतीजे को समाप्त करने के लिए कोई भी कोशिश छोड़ी नहीं। दूसरे मामा रहे शकुनी मामा, जिन्होंने हस्तानापुर साम्राज्य को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी लगाई। अब कलयुग के जमाने में तीसरे मामा बैठे हुए हैं भोपाल के वल्लभ भवन में। सही है कि नहीं बोलो? शिवराज सिंह जी जो अपने आप को मामा कहलाते हैं, वास्तविकता तो ये है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिन्होंने उन्होंने ठगा दिया। क्या कांग्रेस की स्थिति है? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ये जनता की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, महिलाओं की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी, सेवा भाव की सरकार। टिकट को लेके जो भाई भतीजा बाद हुआ है उसमें कहाँ तक पार्टी का ये जो विरोधी है वो कहाँ तक टिकट को लेके कांग्रेसी जो 12 आप पहली बार देख रहे हैं कि टिकट वितरण में बेहतरीन टिकट दिए गए हैं, समीक्षा के आधार पर टिकट दिए गए हैं, सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं और ये आपका सब आपको ये सबूत पेश होगा 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। उस तरफ क्या हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से वाकिफ जो कट्टर पर मुझे ना किसी कांग्रेसी को खुशी होनी चाहिए कि वहाँ क्या गलत हो रहा है, हमको अपना घर दुरुस्त करना है।
जो कट्टर कांग्रेसी थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेसी कट्टर जो विरोधीवाद विरोधावाद कोई कांग्रेसी को या तो कोई कट्टर या आधा कांग्रेसी कोई नहीं होता। हर कांग्रेसी कांग्रेसी है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका दिया गया है। जो कांग्रेस से बात भी घूम सकती गिन सकते उस तरफ देख लो कितने बागी कमलनाथ जी का एक दूमदार बागी बैठे हुए हैं। जो कठिनाइयाँ कांग्रेस में होती थी वो सारी बीमारी भाजपा को लग गई। तो क्या आकलन कर रहे हैं आप आने वाले चुनाव में कितना कांग्रेस है कि कांग्रेस की सरकार 70% बनने जा रही है और जनता की सरकार बनने जा रही है। अब आप मुझसे पूछो कितने सीट, मैं ज्योतिष नहीं हूँ ना, आप ज्योतिष हो नंबर एक। नंबर दो, मैं कभी आकलन नहीं करता जब तक नतीजा आता है, आप मेरे आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं चुनाव लड़ता हूँ जिस तरीके से चुनाव हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, नतीजा अपने आप आएगा सामने। कांग्रेस घोषणा पत्र में हो गए भाई इसी प्रश्न का जवाब देते हुए। कठिनाई है कि मुझे आप लोग वचन पत्र को उठाकर ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो। वहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि आरएसएस पे बैन लगेगा। वहाँ जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का सदैव नियम रहा है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी स्वतः स्वतंत्र है किसी भी पार्टी की तरफ अपने निष्ठा रखने के लिए, पर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकता। ये कोई नया नियम थोड़ी है, ये तो भारत के संविधान का नियम है। हम केवल कह रहे हैं कि जो संविधान का नियम है वो हम लागू कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा है कि आरएसएस को हम बैन कर रहे हैं। आप कृपा करके अच्छे से पढ़ लीजिए। कमलनाथ जी का काम भाजपा का है। कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बार बार बोलो, जोर से बोलो और निरंतर बोलो। अरे आपके लोकसभा क्षेत्र में जो आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग उनका क्या प्रचार कर रहे हैं? कौन कहाँ मुझे बताइए, उनको निष्कासित किया जाएगा। आपके पार्टी के लोगों से पूछ ले बताइए, मुझे तो नहीं मालूम कि कहीं भी हमारे पार्टी के लोग। ये जरूर सत्य है कि भाजपा को भाजपा के प्रत्याशी नहीं मिले, कांग्रेस के प्रत्याशी लेने पड़े लड़ाने के लिए, उसका भी स्वागत है। कन्हैया लाल अग्रवाल ने किया अपने कार्यालय का उद्घाटन। निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा अपने कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वहां उनके समर्थकों की बड़ी संख्या भी मौजूद रही। वहीं यहां पर देखा गया कि जहां भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा कार्यकर्ता कम संख्या में थे, लेकिन कन्हैया लाल अग्रवाल के साथ उनके समर्थक बड़ी संख्या में देखे गए। वहीं कन्हैया लाल अग्रवाल ने सिंधिया के विरोध में एक बार फिर बोले। वहीं बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को चुनाव के बाद मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने जिसे टिकट दिया है वह कितना सही है। मैं और ऋषि भैया आप सब जानते हैं पूरी ताकत के साथ आप लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि बंगोली में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक और मंत्री के पद पर रहा हूँ। 70 साल की उम्र हो गई है, मेरी कोई बहुत ज्यादा लालसा नहीं थी, लेकिन आप सब जानते हैं टिकट की घोषणा होने के बाद 3 तारीख को जब मेरे एबी रोड वाले ऑफिस में कम से कम 2000 की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो मैंने उनकी राय जानी। हर कार्यकर्ता की एक इच्छा थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे साहब, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए उनको देख लो। सबने फैसला किया कि आपको चुनाव लड़ना है। मुझे खुशी है दिवाली का त्योहार होने के बाद हम छोटी दिवाली मानते हैं 6 तारीख को अपने आप के लिए, क्योंकि राजनीति मुझे भी आती है। मैं पार्टी से इस्तीफा दे सकता था लेकिन मैंने पार्टी से अभी तक
इस्तीफा देने का काम नहीं किया। पार्टी चाहे तो मुझे बाहर निकाल सकती है, ये उसका फैसला होगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं के फोन आए। मैंने कहा भाई साहब आप ये बता दो, आज 10,000 आदमी जो मेरे सामने फॉर्म भरवाने आया था, आज उसने अपने आप को जनता के सामने एक्सपोज कर दिया है, और ऐसे में मैं बैठ जाऊंगा तो जनता मुझे कितने में बिक गया, वो कौन सा पद जो ये मिल गया बता दे भाई। ममोनी विधानसभा की, क्योंकि विधानसभा के हर गाँव की दूरी मुनासिब बहुत ज्यादा है, उसमें आप लोग बढ़ा रहे, आप सबका हृदय से बहुत बहुत साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल तक लोगों के दिमाग में ये भ्रम था, लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे, मैं अपना गांव वापस ले लूंगा। पार्टी के नेताओं का मेरे ऊपर दबाव है, इस तरह की घेरा बातें चलती रही। मैं आज आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब से पिछले एक साल से करीब पार्टी ये बोलती चली आ रही थी कि आप लोगों को हमारे पास हमारे नेता बोलते थे, टिकट मांगने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे के आधार पर जो जीत का प्रत्याशी होगा, जीतने वाला प्रत्याशी होगा, उसको पार्टी टिकट देने का काम करेगी। मेरे ख्याल से 6-7 सर्वे हमारे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग सर्वे करवाया, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से 78% ममोरी की जनता ने मुझे पसंद किया। कांग्रेस से गुना के विधायक पद के उम्मीदवार बंटी अहिरवार ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने शहर के बूढ़े वाले जी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। और बंधुओं, आप सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं से, युवा साथियों से अधिक से अधिक संख्या में आप इस कार्यक्रम में पधारे। आप सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में विशाल आम सभा में पधार कर सभा को सफल बनाए। सर्दियां शुरू होते ही गर्म कपड़ों के विक्रेता शहर में आने लगे। सर्दियों के शुरू होते ही शहर में गर्म कपड़ों के व्यापारियों की आमद शुरू हो जाती है। शहर में दो जगह गर्म कपड़ों के व्यापारी दुकान लगाते थे, लेकिन इस बार नगरपालिका के पास उनको जगह नहीं दी गई, उन्हें रेलवे स्टेशन के पास जगह दी गई है। आपको बता दें कि शहर में इन दिनों गर्म कपड़ों के व्यापारियों का आना शुरू हो गया है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग निरंतर अवैध शराब विक्रेताओं व बनाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत ग्राम बिरियाई में दबिश दी गई। इस कार्रवाई में सहायक कलेक्टर, तहसील स्टाफ, आबकारी विभाग व पुलिस के 40 जवान शामिल हुए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर से 100 लीटर अवैध शराब और 7,500 किलो महुआ गुड़ धान बरामद किया गया, जिसकी कीमत 3,85,000 रुपए बताई गई। इस कार्रवाई में आरोपी द्वारा टीम पर पथराव भी किया गया, जिसे पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री विजय दत्ता साहब के निर्देशन में सहायक कलेक्टर श्री दिव्यांग सिंह एवं तहसील का स्टाफ एवं हमारा आबकारी के स्टाफ द्वारा आज दिनांक को गांव बिरियाई में सामूहिक रूप से दबिश दी गई, जिसमें पुलिस के 40 जवान भी सम्मिलित थे, जिसमें एक बाइक जिस पर 100 लीटर हाथ पट्टी शराब एवं करीब अपना 7,500 महुआ एवं गुड़ लहान बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 3,85,000 रुपये होती है। और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। मौके पर वहाँ हमारे स्टाफ के ऊपर 15 लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिससे बड़ी मुश्किल से बच के आए। बाद में पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा भेजा गया और तब जाकर कई जब्ती संभव हो पाई। गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक बाइक पकड़ी है, सभी लोग भाग गए। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बुल्लनपुरा के प्राचार्य ने दिया पुलिस में आवेदन। आवेदन में कहा है कि स्कूल के पास लगने वाले चार ठेलों पर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, जिससे वहां पढ़ने वाली बालिकाओं को डर लगा रहता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर स्कूल की बाउंड्री वाल पर ही बैठे रहते हैं। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर गाली गलौज भी की जाती है। स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि छात्र छात्राओं में डर का माहौल है, क्योंकि असामाजिक तत्व स्कूल के शौचालय के पास भी बैठे रहते हैं। वहीं प्राचार्य द्वारा कई बार चाट विक्रेताओं को समझाया भी गया, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद आज प्राचार्य द्वारा पुलिस में आवेदन दिया गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हमको ये समस्या है कि ये हमारा बालक और बालिकाओं का स्कूल है और यहाँ पे हमारे बाउंड्री वाल कम है, छोटी है, और उसके पास में कुछ लोग चाट का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, अन्य अन्य प्रकार के ठेले लगाते हैं। हमारी बच्चियाँ बाहर बगल में ही बैठे बाथरूम में उसके, तो उनको असुविधा होती है। कुछ असामाजिक तत्व उन दुकानों पर आते हैं और देर तक रुकते हैं, उससे हमारी बच्चियों को असुविधा होती है, बच्चियाँ हमसे शिकायत करती हैं। और इसलिए अगर ये ठेले हट जाएँ यहाँ से, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो हमको सुविधा होगी, हमारे बच्चों को सुविधा होगी। तो इसकी आपने शिकायत पुलिस से की? इसकी शिकायत हमने यातायात प्रभारी को दे दी है और हमने हमारे विभागीय अधिकारी महोदय डी पी सिंह महोदय को दी थी। कल डी पी सिंह महोदय मौके पर भी आए थे, उन्होंने भी इन लोगों में फटकार लगाई थी, मगर इन्होंने उनका कोई कहना नहीं माना। डी पी सिंह महोदय ने कार्रवाई की थी इन पर, आपके मतलब मौके पर उन्होंने समझाया था, तो वो लोग नहीं माने और पुनः उन्होंने आज ठेले लगा दिए। मकसूदनगढ़ में चांचौड़ा विधायक ममता मीणा के पुत्र आकाश मीणा ने किया जनसंपर्क। मकसूदनगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ जनसंपर्क किया, जिसमें ममता मीणा के पुत्र आकाश मीणा ने चांचौड़ा विधानसभा में हुए विकास कार्यों के नाम पर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विकास जो हमने करा है, उसके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। हमने आज जनसंपर्क करा मधुसूदनगढ़ में हमारे युवा मोर्चा की टीम के साथ। तो हमारा मतलब जो विकास करा है और जो मधुसूदनगढ़ को मतलब सौगातें दी हैं, जैसे कि नगर पंचायत हो गया, थाना हो गया और महाविद्यालय भी खुलने वाला है, तो उस आधार पे हमने वोट मांग रहे हैं, जो विकास जो मतलब बढ़ता रहे, इस आधार पे हमने आज जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता। तो जनता के क्या आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है? बिल्कुल, पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा है जनता।
2016 में तमिलनाडु में चलती ट्रेन से हुई 5,78,00,000 रुपए की डकैती गुना जिले के पारदी गिरोह ने डाली थी। गिरोह में पूछताछ ने यह कबूल किया है। तमिलनाडु की CBCID द्वारा गुना जेल से ले जाए गए पारदी। उल्लेखनीय है कि पिछले माह तमिलनाडु CBCID की टीम गुना आई थी, यहां पारदियों के डेरे पर दबिश दी थी। फिर गुना जेल में बंद आरोपी मोहर सिंह पारदी, रूसी पारदी, महेश पारदी, काली और कृष्णा उर्फ कालू तथा बिल्टिया पारदी को कोर्ट के वारंट के आधार पर अपने साथ तमिलनाडु ले गई। तमिलनाडु CBCID ने यहां उनसे पूछताछ के बाद बताया कि इन्हीं पारदियों ने यह डकैती डाली थी। पारदियों ने कबूला है कि उन्होंने इस ट्रेन से नियमित राशि भेजे जाने की जानकारी थी। इसके लिए उन्होंने काफी रैकी भी की थी। इसके बाद 8 अगस्त 2016 को इंडियन ओवरसीज बैंक से करीब 342 करोड़ रुपए सलेम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस पार्सल बोगी से रिजर्व बैंक चेन्नई के लिए भेजे जा रहे थे, तब वे इस ट्रेन में सवार हो गए थे। रास्ते में चिन्ना सलेम और विरुद्धाचलम स्टेशन के बीच पार्सल बोगी की छत काटकर उसमें से 500 रुपए नोटों की शक्ल में 5,78,00,000 रुपए उड़ा लिए थे और उसको लुंगियों में भरकर गुना लौट आए थे। यहाँ उन पैसों में से कुछ प्रॉपर्टी सहित अन्य खरीदी भी की। इसके बाद 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई थी तो उन्होंने लूटी गई राशि में से काफी नोट जला दिए थे। CBCID के मुताबिक इस मामले में रतलाम जिले के दिनेश और रोहन को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी भी कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।